उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज भी मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में भी हम लोग पिछली वीडियो की तरह जूम की ही एक टेक्निक सीखेंगे। बेसिकली ये भी उसी वीडियो की एक सीक्वेंस वीडियो है। एक छोटा सा रीकैप के जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर मैं टू ले लूँ और स्पेस के साथ ऑल्टर प्रेस करूं और जहां भी मेरा माउस जूम का देख सकते हैं माउस इस वक्त है वो उसी सेम सीक्वेंस को अपने पास वो उसी सेम पॉइंट को जूम करेगा। अब फॉर एग्जांपल जो लोग पाकिस्तान से हैं और जो लोग कराची से हैं खासतौर पे उनको पता होगा कि हबीब बैंक की तरीके की बिल्डिंग है। और जिन लोगों को नहीं पता जो लोग मे भी शायद कंट्री से बाहर हैं मुल्क से बाहर पाकिस्तान से बाहर हैं जिनको नहीं पता तो वो सर्च कर सकते हैं हबीब बैंक प्लाजा के नाम से तो उनको पता चल जाएगा। बहरहाल दूर से मुझे भी नज़र नहीं आ रही कि कौन सी बिल्डिंग है और क्या है तो मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर है। मेक श्योर कि आपकी पिक्चर और जो भी आपका जो है वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए पिक्चर आपकी, ठीक है। तो इस वक्त मैं 22 पे हूँ। जिस तरह मैंने पहले वो बताया था कि कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो फिट टू स्क्रीन होगा। अब ये हो गया 24.8% पे, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ स्पेस ऑल्टर या ऑल्टर स्पेस एक ही सॉरी ऑल्टर स्पेस के साथ ऑल्टर एंड स्पेस के साथ मैं इसको जूम करने जा रहा हूँ। दोबारा देखिएगा और मैं इस बिल्डिंग के ऊपर हूँ और मैं जूम कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मेरा माउस वही जगह को जूम करेगा जहाँ मेरा कर्सर मौजूद होगा। तो अब मैं आ गया हूँ 173% पे और आप देख सकते हैं मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करूँ मेरे पास ये पैन का टूल आ जाएगा अपेयर हो जाएगा और अब मैं इसको नेविगेट कर सकता हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा लेकिन जब आप फोटोशॉप पे काम करेंगे उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि ये टेक्निक्स और ये टूल्स और ये शॉर्टकट्स कितने काम के टूल्स हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा जब आप फोटोशॉप पे वर्किंग कर रहे होंगे लेकिन आपको वो पर्टिकुलर एरिया देखना होगा जो आप स्क्रीन पे मौजूद नहीं है तो आप बहुत मुश्किलों से ये टूल लेंगे फिर ऐसे लेंगे फिर आप दोबारा वही टूल से काम करना शुरू करेंगे फिर आप ये टूल लेंगे फिर। तो ये जो बेसिकली शॉर्टकट्स हैं ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं फोटोशॉप में जो आपकी लाइफ है उसको ईजी कर देते हैं। तो काइंडली इनको याद रखें स्पेस बार के साथ मैं ये टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहलाता है पैनिंग, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये टूल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ ऑल्ट स्पेस के साथ दोबारा मैं वही प्रेस कर रहा हूँ देखें ये टूल आ गया मेरे पास और मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको और इस पिक्चर पे आ जाऊँ। ये देखिएगा मैं दोबारा 24 पे आ गया, ठीक है। अब मुझे इस ब्लू पर्सन को ये कौन बंदा है मुझे नहीं पता शायद किसी बंदे को दिख नहीं रहा है बंदा है कौन है तो इसको ज़रा जूम करते हैं आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसको ऑल्ट के साथ स्पेस प्रेस कर रहा हूँ स्पेस बार और मैं दोबारा इसको जूम इन कर रहा हूँ इस बंदे की मेरे सॉरी सॉरी गलत हो गया मेरे पास ऑल्ट स्पेस दोबारा देखिएगा ऑल्ट स्पेस बार के साथ ये चीज़। तो अब देखिए इस बंदे पे पर्टिकुलरली इस बंदे पे फोकस हो रहा है। शायद हो सकता है आपसे एक अटेम्प्ट पे ना हो चीज़ तो आप एक दो अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके, ठीक है। अब मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और इस तरीके से पैन कर रहा हूँ इसको ये पर्टिकुलर उस शख्स पे बेसिकली उस जो ये जो करेक्टर है उसी करेक्टर को जूम कर रहा है, ठीक है। एक तो ये टूल हो गया। अब एक और टूल आप चेक हम लोग चेक करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ जेड प्रेस करके कीबोर्ड से, ठीक है। अब मुझे जो है ना एक पर्टिकुलर अगर आप इधर टूल बार पर टूल प्रेस करें तो इधर लिखा हुआ है स्क्रबी जूम। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। स्क्रबी जूम बेसिकली होता है ये जूम मतलब इंक्रीमेंटल जूम कंटिन्यूस जूम ये देख रहे हैं ये कहलाता है स्क्रबी जूम मीन्स कि आप स्क्रबी जूम करें। मैं इसको अनचेक करता हूँ और आप देखिएगा अब मेरे पास एक फंक्शनैलिटी आ जाएगी। अब मुझे मिसाल है इस शख्स को जूम करना तो मेरे पास बेसिकली मैं बॉक्स बना सकता हूँ किसी भी शख्स को उसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करने के लिए। तो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ करा तो देखिए डायरेक्ट उस शख्स पे ले आया जो कि इस वक्त मेरी जूम लेवल जो है वो है 25 250। ओके
तो बेसिकली मैंने आपको इस तरह समझाया कि स्क्रबी टेक्स्ट से हम लोगों ने स्क्रबी जूम से हमने चेक बॉक्स हटा दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाउंडिंग बॉक्सेस इसके जूम टूल को लेते हुए बाउंडिंग बॉक्सेस बेसिकली बेसिकली एक तरह का इसको कह सकते हैं कि एक तरह का एक बॉक्स बन जाएगा और वो उसी बॉक्स को पर्टिकुलर जूम करेगा। अब मैं दोबारा कंट्रोल के साथ माइनस का निशान प्रेस कर रहा हूँ, अगेन अगेन मैं एक और बार प्रेस कर रहा हूँ माइनस, कंट्रोल मैंने होल्ड किया हुआ माइनस प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें जूम और दोबारा मैंने टूल लिया। अब मुझे इस एरिया को सिंपली इस लेफ्ट से इस वाइट जो एक बिल्डिंग या बेंगलोर टाइप है इसको जूम करता हूँ। मैंने जूम टूल लिया हुआ है और स्क्रबी जूम से मैंने हटा दिया, देखिएगा सी उसने उस एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर एरिया को जूम किया। तो आप इसकी कुछ ट्राई कीजिए, इसको इसको इस्तेमाल कीजिए, दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, ये बहुत काम के टूल है। और अब मैं अगेन स्पेस बार प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इसको पैन कर सकता हूँ, ठीक है। और अगेन अब मैं इस लेवल पे आके अगर यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, जूम टूल लिया इसका भी, जूम से मैंने चेक बॉक्स हटाया है, सी मेरे पास पिक्सल ग्रेड आ चुकी है, बट इट का जूम इसका और मैं इस वक्त 821% के ऊपर जूम किया। दोबारा मैं कंट्रोल जीरो प्रेस कर रहा हूँ और मैं जूम आउट हो चुका हूँ। सो ट्राई टू यूज़ दिस टेक्निक एंड इंशाल्लाह ताला ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग के अंदर आपको, तो ये टेक्निक आपको काफ़ी इफेक्ट काफ़ी आपको अच्छा फीडबैक निकाल हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल कैरियर में और प्रोफेशनल चीज़ों में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।